अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पार्क मोटो व्लॉग। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग मरी आए। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हम मरी से यहां से जाएंगे। आज मैं पूरा आपको बताऊंगा रीजन। साथ मेरे फैसल भाई अपनी थंडर बर्ड पे हैं, जो मेरे पास भी है, लेकिन क्योंकि मैं लाना चाह रहा था कि देखूं कि जी ये कैसा परफॉर्म करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आई। और अब जाते भी देखते हैं, तो चलिए जी चीज़ें वगैरह पैक करें व्यूअर्स, और चार्जर वगैरह अंदर रख लिए। ओ यस, कर दिया। अच्छा हाँ, मैं ज़रा टिशू ले लूँ। ये ले, एक चाहिए आपको? नहीं, बोझे में रख लेना, जरूरत पड़ सकती है। टाइम बताएंगे फैसल भाई, 2:34 टाइम है। और जी व्यूअर्स, अब हमारी रवानगी। ये मैं अंदर ले आया, अच्छा जी व्यूअर्स मैं किलोमीटर्स बता दूं ताकि पता चल जाए। ओ 410, 410 किलोमीटर। और फिर फैसल भाई ऑन करेंगे, उनसे भी मैं पूछता हूँ। 2481 किलोमीटर फैसल भाई के उस पे हैं। तो व्यूअर्स अभी इधर से निकलने लगे। टाइम 2:34 आपने बताया अभी, ओके चलें जी व्यूअर्स, हम निकल पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीजन एंड रीजन, दो भाई। हाँ जी, अच्छा, लेकिन हमें खैर फिर भी यहाँ से लेफ्ट पहले जाना पड़ेगा, और उसके बाद जनाब फिर हमें दूसरी साइड लेनी पड़ेगी। तो फिर जी वो पता नहीं चलता। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे है, मुझे लगता है टर्न बंद तो नहीं किया। जी इधर कहीं होता था। अच्छा तो आगे वो आ रहा है TDCP। नहीं मेरा ख्याल है बंद है, देखे ना वो उस साइड की ट्रैफिक हो जाती है, तो यहाँ पे कहीं था जो अब नहीं है। हाँ जी राइट पे कर लें। कैट आइज ख़त्म ही नहीं होंगी। आ जाएं जी। अच्छा मैं आप आए, मैं माइक सेट करूं, मुझे लगता है हिल गया। जी जाके हवा चेक कराऊंगा व्यूअर्स, मैंने हवा नहीं चेक कराई अभी तक इसकी। ओके मैं अपनी साइड पे हूँ, आप अगर आगे आ जाएं उसका ये है कि ज़रा फिर। जी हाँ रीजन का नाम ले तो साथ ही चढ़ाई आ जाती है। हाँ यानी कि मरी से आ रहे हैं और आगे हमें फिर चढ़ाई मिल रही है, ऐसा भी होता है व्यूअर्स। जी आगे स्पीड चेक वाले होते हैं। हाँ जी वहाँ की पता नहीं क्या है स्पीड। अच्छा यहाँ 60 लिखा हुआ। अच्छा वोल्टेज कितनी है आपकी? 78 है। ओके okay.
नहीं क्या करना है, देखें इंजॉय भी कर रहे हैं ना, देखें चक्कर के हमने जल्दी जाके क्या करना है, हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, जो मकसद था यहाँ आके घूमने फिरने का भी था, बड़ी अच्छा धूप वाला है और बड़ा टाइम भी हम लोग वापस जा रहे हैं जस्ट ताकि अच्छे टाइम हम लोग पहुँच जाएँ ठंड से पहले। और ये दिन तो अनाउंस हुए हैं कि जी बड़ी कोल्ड वेव इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी इस साइड पे, और मरी की तो फिर आप कुछ ना पूछें, जाहिर है। बस्ताल मोड़ व्यूअर्स आ गया वापसी पे और मुझे रीजन मिल रहा है और फैसल भाई को फ्री जन मिल रहा है। वी आर इन्जॉइंग, धूप है अभी और खैर हम देखेंगे कि अगर वो कोई हैंडल पे हमें कोई घड़ी वगैरह लगा लें वो भी लगा लें। और मैं बस्ताल मोड़ भी क्रॉस हो गया। आज मैंने जो सबसे पहला काम करना है, चाहे जब भी हवा चेक करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रही दोनों। 8 किलोमीटर वापसी पर आ गए हैं और ज़बरदस्त जा रही है दोनों बाइक्स। और फैसल भाई का एक और इरादा ये हो रहा है कि यहाँ से जाएंगे भी वो सीधा ही, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं बैठे थे कि फुल चार्ज वहाँ हो, बहुत थोड़ा शायद कोई वोल्टेज का भी था मसला वहाँ, वोल्टेज बहुत लो था। नहीं जी फैसल भाई आप कुछ कह रहे थे, फैसल भाई हाँ चलें ये गाड़ी गुजर तो आप फिर आगे आ जाइए। हाँ जी जी आपके तो वो, मैं व्यूअर्स बताऊं कि मैं मोड 2 मैंने कर ली थी क्योंकि मोड 1 में फिर वो स्ट्रिक्ट कर देती, मतलब लिमिट कर देती उसकी स्पीड, तो मोड 2 पे फिर मैं इसको कर दिया ताकि रीजन भी मिले और स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिले। ठीक है, वैसे ये बताऊं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो, हाँ वो डिफरेंट है उससे, वो उससे डिफरेंट है कि क्या है, इसको जब ज़्यादा टाइम चलाते हैं तो फिर ये प्रॉपर चार्ज होती, थोड़े से बाकी व्यूअर्स मैं ये बताऊं कि जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के चार्ज होने का और है तरीका, एक और तरीका, यानी आप कहेंगे कि भाई प्लग सॉकेट में नहीं, उसकी जो टाइमिंग है ना लिथियम आयरन फॉस्फेट पे, आपको पता है कि भाई ये इतने टाइम में ये हो जाना है इतने किलो में, जबकि इसमें आपने अगर कम चलाई हुई है तो वो टाइम ज़्यादा लेती है, अगर ज़्यादा चलाई तो वो बिल्कुल वैसे ही होती जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट, ये मुझे नहीं इसका समझ आया। बहरहाल मैं ये कहता हूँ व्यूअर्स के इन्जॉय करें, आपके पास जो भी राइड है इन्जॉय करें उसको, और कोशिश करें कि गलत जगह पैसे ना इन्वेस्ट करें, कोई ऐसा ब्रांड ना लें, मैं नाम कोई भी नहीं ले रहा, कोई ऐसा ब्रांड ना लें जिसका कोई फीडबैक ही नहीं, कोई वीडियो नहीं है, कोई रिव्यू किसी ने नहीं ली हुई, तो उधर ज़रा पैसे ना इन्वेस्ट करें, ये आपके लिए बेहतर है। ट्वेल्व किलोमीटर्स व्यूअर्स आ गए, आपके भी 12 ही है उस पर, अच्छा आपके 13, हाँ मेरे भी हो गए ये 13 हो गए, 2.11 एम्पेयर आर रीजन मैं ले चुका, 2.12। तो 4 किलोमीटर आपने फ्री चला दिया होगा जी। ये देखें ठंड है अब यहाँ, बड़े अच्छे टाइम हम लोग जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप व्यूअर्स आपसे शेयर भी करेंगे कि फैसल भाई वहाँ से डायरेक्ट अपना पूरा चार्ज भी नहीं लिया और फेज़ 4 जाएंगे जी जी। आप 15 किलोमीटर में व्यूअर्स वहाँ से लेके ये पुली, ये लंदन ब्रिज इसका नाम आज से हम रख लेते हैं जी, ताकि हमें याद रहे जी लंदन ब्रिज। जी मैं पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा,
माइनस सारा की फ्रीजन। हाँ मैं, मेरा ये रीजन आता है और आपका फ्रीजन। हाँ नहीं, वो रेस देता हूँ, वाइट पे आता है फिर छोड़ दूँ। हाँ जी जाहिर है, मैं यूँ छोड़ूंगा तो ये ग्रीन पे आता है, जाहिर है। वो जब रेस दूंगा तो फिर वाइट, देखें वाइट। जी 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 जाहिर है, रीजन एग्जैक्टली जैसे आपके उसमें, तो जी बिल्कुल तकरीबन वैसे ही है। बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और आपके लिए ये वीडियोस, ताकि आपको पता चले। जी चलें जी, वर्ड बता दूं, फैसल भाई कह रहे हैं कि मैं कोलैप्सिबल सोलर पैनल ढूंढेंगे, हैं तो सही, यानी ज़्यादा वोल्टेज के ये ढूंढेंगे, और फिर ऐसा कुछ किया तो डेफिनेटली आपसे भी शेयर करेंगे, तो वोल्टेज कम होगी ना, इन जगह पे वोल्टेज लो होती है। मैंने जो पहला काम करना है ना, हवा, मुझे भी फील हो रहा है कि कम है, बहुत ज़्यादा। ले जी व्यूअर्स, ये टोल प्लाजा पहुंच गए और मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक्शन कैम की बैटरी कम है, तो अब जहाँ ख़त्म होगी तो वो मैं चेंज नहीं करूँगा। व्यूअर्स हम लोग पहुँच गए भारकहू बाईपास तक, और मैंने कहा वो आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी बैटरी सेव की हुई थी, बैटरीज तो खैर पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट अब तो वीडियो में समझें कि अच्छा जी, इधर से राइट का इंडिकेटर लगा दें। ये आ गए जी व्यूअर्स हम लोग भारकहू बाईपास में। अच्छा आगे स्लोप होगी, ठीक है। व्यूअर्स पहली दफ़ा कोई इलेक्ट्रिक बाइक कोई भी किसी वीडियो में यहाँ पे नहीं लाया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं और फैसल भाई यहाँ पे आपको पिछले एपिसोड में आने का दिखाया, और इसमें आपको ये जाने का मैं दिखा रहा हूँ। किलोमीटर 30 हो गए, फैसल भाई आपके कितने जी? ओ उधर से तो जाहिर है बराबर ही हैं। ओके ओके, 4.20 रीजन मिल गया व्यूअर्स, और देखते हैं कि 4.25 जी जी हो जाए दोनों हाथ। अच्छा हाँ, रेस से फ्री जेन, बल्कि फ्री जेन को ना फ्री जेन ही ना कह दें। हाँ जी आबादी एग्जैक्टली व्यूअर्स, इधर बेहतर है कि सब एहतियात से जाए। ओहो नीचे इतना रश बना हुआ व्यूअर्स के कुछ ना पूछें, कि साइडों से लोग ना आए ना। जी जी अच्छा, ख़ुदकुशी आला तो इलेक्ट्रिक बाइक के आगे ख़ुदकुशी भी नहीं होगी उसकी नहीं हाँ, मोटरवे के साइड साइड पे एक बने बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक्स की लेन, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स अलाउड हों, और इस्लामाबाद टू लाहौर। देखें अब ये ट्रेंड है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स का पूरी दुनिया में, बाइक्स का, गाड़ियों का, तो इसलिए मैं फिर ये है कि क्यों ना ये प्रमोट किया जाए और अच्छी तरफ ही लाया जाए। अब ये कीप इस्लामाबाद क्लीन एंड ग्रीन ये बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इसमें समझें मैं और आप अपना हिस्सा ये डाल रहे हैं। हम लोगों ने सीधा जाना है ना, ये लेफ्ट पे लिखा क्या हुआ है? अच्छा ये भारकहू, रेंजीवर्स भारकहू की जो रोड है मेन, उसको ऊपर से हम लोगों ने क्रॉस किया जी। 4.72 4.73, अब आगे मेरे ख्याल है चढ़ाई जैन। हम लोग व्यूअर्स पूरा जो बाईपास है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया, और दोबारा आ गए हैं जो, जी जी ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेक व्यू पार्क है। 5.02 मैक्सिमम रीजन, इतना कभी नहीं किसी ने मेरे ख्याल है लिया होगा, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। 5.02 5.03,
5.20 रीजन, 5.21, 22, 23, 24। जी जी, आपकी बाइक क्या करती है उसका सारा मुझे पता है क्योंकि मेरे पास है वो। जी 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 व्यूअर्स, क्योंकि हम लोगों का ये था कि यहाँ पे फैसल भाई देखेंगे कि अगर उनकी बाइक का उतना उनको अंदाज़ा है कि चार्ज है तो वो चले जाएंगे स्ट्रेट, और मैं आपसे शेयर भी करूँगा। फैसल भाई, आपने जाते ही मुझे बताना है क्या रहा। जी आपने मुझे मैसेज डाल देना एग्जैक्टली ताकि मैं फिर व्यूअर्स से भी शेयर कर सकूँ और उनको जी सारा कुछ। जी जी, बाकी ये तो पता ही आपको कि हमें वहाँ चार्ज पूरा नहीं मिला एक घंटा, और उसमें भी वो वोल्टेज बहुत कम थी व्यूअर्स वहाँ पे 77 छोड़ के उनके। तो फैसल भाई थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। जी मैं, क्योंकि मैंने पीछे गाड़ियाँ थी, और फैसल भाई को अल्लाह हाफिज़। फैसल भाई की तरफ से आप सब व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़। और मैंने होना है यहाँ से राइट व्यूअर्स, और फैसल भाई जाएंगे सीधा क्योंकि उन्होंने जाना है बैरिया फेज 4। जी मैं, जी जी मैं बिल्कुल व्यूअर्स को बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 5.44 रीजन और श्रीनगर हाईवे पे मैं एंटर होने लगा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है व्यूअर्स के, मैंने ये फील किया है कि अगर आपको ज़्यादा रीजन चाहिए तो आप इस मोड 2 पे राइड करें। अब मैंने ये फील किया, अब जो और यूज़र्स हैं इसके वो बताएंगे कि जी क्या है। एक तो आपको स्पीड भी ठीक मिलती है, और जब स्पीड ठीक होती है आपकी थोड़ी ज़्यादा तो उसमें ये है कि आपको रीजन भी मिलता है, और उस तरह इसकी ब्रेकिंग नहीं होती क्योंकि मोड 1 जो वो इतना लिमिट कर देता है उसको कि थोड़ी उसमें ब्रेकिंग ज़्यादा मुझे फील होती है क्योंकि स्पीड कम होती है। एक्शन कैम की बैटरी रेड पे आ गई है व्यूअर्स, एक्शन कैम की बैटरी कभी भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखें 5.66 रीजन है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, और बैटरी बिल्कुल फुल है। और मैं आपको अभी से अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ। पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।